हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू क्रिएटिव सीमाज लाइफ आई होप सब अच्छे ही होंगे और बारिश का मजा ले रहे होंगे मस्ताना मौसम है रंगे नजारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा क्या आप भी मेरी तरह मौसम को देखकर गाना गाते हो मौसम इतना अच्छा है कि आम के नए नए पत्ते आ गए हैं और देखते ही बस मन करता है कि कुछ मत करो बस इनको ही निहारते रहो लेकिन बैठने से तो काम नहीं होने का हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तो मौसम बहुत ही अच्छा है अभी तक कोई बारिश वारिश नहीं है और घर का जो काम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि संडे है तो शुरुआत हुई है कुछ हेल्दी स्टेप से आज हस्बैंड ने बोला कि क्योंकि सबको हेल्थ इशू हो रहे हैं मुझे भी उनको भी और मम्मी को भी रिपोर्ट में शुगर और कोलेस्ट्रॉल आया है तो आज एक कदम सेहत की तरफ तो सिंपल चाय को कर दिया बाय बाय और हमने इंट्रोड्यूस करी है ये नई चाय जो हम अर्ली मॉर्निंग लेंगे चाय पत्ती और दालचीनी को उबाला है उसमें फिर थोड़ा सा नींबू और शहद मिक्स करके बस ऐसे ही पिएंगे और उसके बाद फिर हमने मम्मी का बेड ठीक किया बेड शीट बदल दी और कल तो मेरे कमरे के दरवाजे खिड़की साफ़ हुए थे आज मम्मी के कमरे के दरवाजे खिड़की साफ़ हो गए अब आज मैं बताऊंगी कि बची हुई ग्रेवी का क्या कर सकते हैं तो वीडियो में बने रहिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा नहीं तो फिर ना कहना कि हमें नहीं पता क्या हुआ तो जो ग्रेवी बच गई थी रात की मैंने उसमें ही थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल के और उसको तैयार कर रही हूँ और इसी एक रेसिपी से ही मैं सबके ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी देखते जाना वीडियो में कैसे तो ऐड कर देती हूँ दूध को चाय उबल गई है अच्छे से हमने मॉर्निंग टी स्किप करी है ब्रेकफास्ट वाली लेंगे और अब मैं मैश कर दूंगी पनीर को थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेज रहेंगे थोड़े से मैश पीसेज रहेंगे जैसे कि काठी रोल और पनीर रोल में होते हैं उस तरीके से तो सुबह का शेड्यूल जो है सैटरडे संडे मेरा तो बहुत बिजी रहता है भाई फ्री किसका रहना रहता है वो कमेंट जरूर करना अब मैंने निक्कू के लिए यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के और उसके लिए कैप्सिकम फ्राइड राइस तैयार करूँगी क्योंकि उसके लिए भी कुछ रेडी रखना पड़ता है नहीं तो फिर वो एकदम से हल्ले मचाना शुरू कर देता है और सबको अपना काम छोड़ना पड़ता है तो उस चीज़ से पहले ही बचो भाई पहले ही रेडी करके रख दो तो ये निक्कू का रेडी हो गया क्योंकि मम्मी को कोलेस्ट्रॉल बताया है शुगर बताई है तो मम्मी ने कहा मुझे तो सब्जी और सूखी रोटी देना घी मत लगाना तो अब देखो उसी में से मैंने निकाल दिया है पनीर और थोड़े पनीर से मैंने ग्रेवी बना दी और ये मम्मी का ब्रेकफास्ट हो गया रेडी रोटी सब्जी और चाय तो सबसे पहले कहते हैं घर में या तो या तो बड़े बुजुर्गों को खाना दें या बिल्कुल छोटे बच्चे को तो मैं क्या करती हूँ जब दोनों साथ में होते हैं तो दोनों को एक साथ दे देती हूँ और नहीं तो मम्मी को सबसे पहले देती हूँ और बाकी फिर बाद में आमने को भी आ गए अपनी फरमाइश तो इनका भी थोड़ा सा पनीर डाल के इनका भी हमने दे दिया है ब्रेकफास्ट अब दादी पोते लगे हैं मजे से ब्रेकफास्ट करने में अब मैंने पराठे सेक लिए क्योंकि अभी को तो रोटी खानी नहीं है तो मैंने सबसे पहले पराठे सेक लिए एक साथ पाँच छः पराठे और इधर हस्बैंड के पास फोन आ गया है कि उनके कोलीग आ रहे हैं घर पे तो वो उनका वेट कर रहे हैं बालकनी में निहार रहे हैं कब आएगा मेरा दोस्त कब आएगा तो उनको निहारने दो हम तो अपना काम करेंगे भाई पांच छह लोगों को खाना खिलाना है तो इनको निपटा के एक तरफ़ बिठा दें जिससे बाकी ये काम भी होंगे घर में वो पूरे करेंगे तो मैंने म्यूनीज फिला के उसके ऊपर ये पनीर वाला मिक्सर रख के और रोल बना के रेडी कर दिए तो ये देखिए एक ही बेटर से मैंने सब्जी भी बना दी फ्राइड राइस में भी डाल दिया और ये रोल्स भी रेडी और ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट मैंने कहा जब आपके दोस्त आएंगे तब आ जाएंगे अभी आप खा लो और ये है मेरा ब्रेकफास्ट देखो ब्रेड एक पराठा फ्राइड राइस सारे आइटम मैंने ले, ले लिए हैं पनीर की सब्जी मेरे लिए आज फिर नहीं बची बासी खाना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन जैसे ही हम खा के चुके इनके दोस्त आ गए और वो लेके आए आलू पूड़ी क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए लेने गए थे तो उन्होंने कहा मैं आप लोगों के लिए भी ले आया हूँ तो चलो लंच का तो हो गया इंतजाम मैंने इनको पैकिंग से निकाल कर बर्तनों में डाल दिया क्योंकि प्लास्टिक में पैक होते हैं इसलिए जितना जल्दी हो गर्म आइटम को निकाल लेना चाहिए पॉलीथिन में से तो अब मुझे लंच तो नहीं बनाना मैं गई बाथरूम में जूते कर रहे हैं मेरा इंतज़ार आओ हमें धो दो, दो हमें भी साफ कर दो मैंने कहा ना पापा ना अभी नहीं आती हूँ पहले मैं बेडरूम ठीक करके आऊँ क्योंकि कब हस्बैंड का मन हो और वो लेट जाए तो ये अलमारी भी बोल रही है चीख चिल्ला रही है भाई हमारा भी होलिया ठीक कर दो लेकिन अभी टाइम नहीं है पहले जूते चप्पल होंगे उसके बाद काफी काम बड़ा है अब ऊपर छत पे बिल्ली ने एक बेबी दे दिया है मैं उसको देखने गई और बेचारा वो मेरे से इतना डर गया मैं तो फिर डर के नीचे आ गई कि कहीं मेरे से डर के ये इधर उधर भागने ना लगे और नुकसान हो जाए इसको कुछ तो मैंने कहा ये इसे आराम करने दो ऊपर की सफाई बाद में होगी हम नीचे आ गए और नीचे आके भी हमें कौन सा चैन पड़ा था ये गुलदस्ते हमारी राहत आक रहे थे सबको साफ़ कर दिया हमारा भी नंबर ले लो मैंने कहा चलो कोई नहीं आज तुमको भी हम साफ़ कर देते हैं तो बस इनका साबुन सरफ लेके सब हो गया रेडी और इनको मैंने छमा छम चमका दिया और ये कुछ फूल अलग हो गए कोई बात नहीं बाद में लगा देंगे तो आज मेरी बालकनी का हुलिया था कुछ ऐसा जहाँ देखो वहाँ कपड़े जहाँ देखो वहाँ धुला हुआ आइटम आज तो मेरा पार्क भी कह रहा होगा कि क्या कर दिया पूरा पार्क भर दिया कपड़े धो धो के मैंने न खिड़की छोड़ी न दरवाजे सब पे कपड़े 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 क्योंकि आज तो मैं सोच के बैठी थी चाहे बादल फट जाए लेकिन आज मुझे कपड़ों का काम पूरा निपटाना ही निपटाना है तो मैंने कर दिया और अभी तक तो मौसम ठीक था लेकिन मेरी निगाहें बाहर कोई थी कि वक्त का कोई पता नहीं तो ये सॉक्स कहाँ पीछे रह जाएंगे लेकिन इनको मैंने बड़े तरीके से फैलाया है कि एक इंसान आराम से बैठ कर यहाँ पर सुकून से बाहर का नज़ारा ले सके और कुछ डिस्टर्ब भी ना करना पड़े तो ये देखो मैंने कितने अच्छे से कुर्सी डेकोरेट कर दी लेकिन मुझे कुर्सी पर नहीं बैठना था मैं तो ज़मीन पर ही बैठ गई और मुझे दो मिनट चाहिए थी शांति की तो मैंने बोतल से पानी पिया और दो चार मिनट बाहर का नज़ारा लिया बहुत ही सुकून मिलता है जब आप आराम से दो चार मिनट किसी चीज़ को निहारो उसको फोकस करो सब कुछ भूल जाओ इधर उधर की इधर की टेंशन उधर की टेंशन दिमाग को एकदम एबसेंट कर दो अब लगभग बारह बज गए हैं और निक्कू अपनी रोने धोने में शुरू हो गया कि मुझे सुलाओ इधर किचन कह रही है कि मुझे भी आओ देख लो मैंने कहा पहले इधर देख लो क्या हो रहा है आराम फरमाया जा रहा है इधर हस्बैंड पड़े हैं रेस्ट करे इधर मम्मी पड़ी है। वा, मजे हैं वाह क्या मज़े हैं जिंदगी के मज़े तो इनके हैं बाबा चलो चलो हमें तो अपना काम देखना है क्योंकि मुझे हो रही थी दिक्कत की कहीं बादल सच में न फट जाए और मेरे सारे कपड़े भीग जाए कोई बात नहीं फिर चाय की फरमाइश आई तो दो कप चाय बना दी और उसके बाद निक्कू को सुलाया मैंने बारिश का मौसम हो और चाय की प्याली हो एक गर्म चाय की प्याली हो कोई उसको पिलाने वाली हो गरी हो चाय काली हो सीने से लगाने वाली हो मैं मस्ती ले रही हूँ मम्मी के साथ और फिर मैंने डिसाइड किया कि मम्मी एक काम बहुत टाइम से छूटा पड़ा आज उसको करके आती हूँ क्योंकि लंच तो मुझे बनाना नहीं है तो हम पहुँच गए हैं गोदरेज के शोरूम में और मौसम अभी तक ठीक ठाक लग रहा था लेकिन कोई भरोसा नहीं था खैर वो छोड़ो हम जिस काम के लिए आए वो चलते हैं तो शोरूम में और क्या क्या था मैंने और भी क्लिप ली थी बाद में आपको दिखाऊंगी लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको लुक दे देती हूँ तो आपको इंटीरियर का सारा फर्नीचर से लेके किचन डाइनिंग सोफा एवरी थिंग कवर्ड एक से एक बढ़िया बस यहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे और एक अलमीरा पसंद करके गए थे लेकिन उसको फिर परचेज करने का टाइम नहीं मिला तो हमने सोचा आज ये काम कर लेते हैं क्योंकि कपड़े इतने हो गए हैं कि घर में समाए नहीं समारे तो अलमारी लेना ज़रूरी है तो हमको ये ब्लू वाली अलमारी पसंद आई क्योंकि हम घर से नाप के ले गए थे कि कितना सेंटीमीटर हमारा बेड है कितना हमारा लेंथ है तो ये लगभग साढ़े चार से पाँच फुट की इसकी लेंथ है इधर टीवी यूनिट भी बहुत अच्छा था लेकिन इसके दाम भी बहुत अच्छी थी एक लाख से ऊपर इस टी यूनिट का कॉस्ट था खैर छोड़ो मुझे तो थोड़ा सा क्लिप बनाना था तो मैं तो अपने आगे लगी पड़ी थी शूट करने में और हस्बैंड लगे थे अपना बैलेंस चेक करने में तो बहुत अच्छा है लेकिन कंपनी तो कंपनी है गोदरेज की तो बढ़िया ही आइटम होगा तो हमने फाइनल कर दी ये अलमारी और इसमें आप देखिए सोफ़े भी बहुत ही अच्छे कोजी सेट्स बहुत अच्छे लगे हुए थे ये अलमीरा भी देखिए कितने कितने साइज़ के आपको कितना फुल रूफ तक की भी अलमारी इनके पास थी और सामने कवर्ड एक वॉल पे जिस तरह सेट करते हैं वो कर सकते हैं लेके तो हमने तो आज ये काम फाइनल कर दिया क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग था और आज करना ही था अरे लेकिन बादल सच्ची में फट गया और इतना तेज बारिश हस्बैंड जा रहे हैं गार्ड की छतरी लेकर सोचा था उन्होंने कि मैं सूखा बच जाऊंगा लेकिन पहुंचने के बाद उनसे छतरी बंद ही नहीं हो रही थी कार में बैठने पर उन्होंने गार्ड को बुलाया और वो सारे भीग गए और मैं गाना गा रही थी छतरी नकाल बरसात में भीग जाने दे भीग जाने दे भीगी रात में और बस फिर हम पहुंचे स्वीट शॉप पर वहां से स्वीट्स ली और हस्बैंड ने दो समोसे लिए और बारिश हो रही है और समोसा भी खा रहे हैं बहुत ही मज़े की मतलब आज तो मेरी ट्रीट हो गई हस्बैंड के साथ सासू माँ के साथ भी बढ़िया ट्रीट की और हस्बैंड के साथ भी बहुत मस्त ट्रीट थी तो घर आ गए थक हार के क्योंकि घर पे तो लौट के आना ही है ना तो अब बच्चे देखने लगे कि क्या लेके आए हैं मम्मी पापा तो घेवर बहुत दिनों से फरमाइश थी अब है कि पालू छाए तो देर ना करते हुए मम्मी को और बच्चों को मैंने ये स्वीट सर्व कर दी कि भाई मीठा खा लो गुस्सा भी अगर आए ना तो मिठाई खा के भाग जाता है इसलिए मैंने फटाफट दे दी है कि खाओ खाओ तुम लोग अब इतने में इनके दूसरे दोस्त आ गए हैं अब फिर से किचन में जाना है चाय बनाना है तो कोई बात नहीं भगवान हम सबको ऐसा रखे कि हम किसी को दें और किसी से लेना बस यही प्रे हमेशा करनी चाहिए भगवान से कि इतना दे कि हम कुछ किसी को दे सकें थोड़ा सा ही सही तो मैंने चाय बना दी है और अब उनको मीठी पीनी है तो चीनी घोल दी उनके में और देखो क्या होता है जब बच्चे खा जाते हैं मेहमानों के भी स्नैक्स तो बच्चों वाले स्नैक्स मैंने परोस दिए मेहमानों को अब लेट हो गया उनको जाते जाते और हमें एक जगह जाना था हमें कॉलोनी में ही जा रहे हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी पे लेकिन हम नहीं जा पाए थे तो उनके घर ही गए हैं हम स्वीट का बॉक्स लेके और लिफाफा ले लेके क्योंकि शगुन तो शगुन होता है जाओ या ना जाओ देना बनता है तो हम वहीं गए हैं तो इनके पास भी जो है एक बहुत अच्छा मुझे पीस लगा मैंने उसका फ़ोटो ले लिया क्योंकि अमेज़न पे मैं सर्च मारूंगी कि कैसे मिलेगी और अब खाना पीना सब हो चुका था लेकिन निक्कू की और अभी की फरमाइश थी कि मिल्क शेक दे दो तो बस उनके लिए ये मिल्क शेक बना रही हूँ आप भी इसको ट्राई कीजिए बहुत ही टेस्टी है हीजलनट फन फूड का मिल्क शेक हेज़ल नट का बहुत ही टेस्टी है और मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना टेस्टी है कि निक्कू भी बहुत शौक से पीता है फिर मैंने डाइनिंग एरिया में कपड़े फैला दिए आज के लिए इतना ही बाय बाय